सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव साहब का 554वां प्रकाश पर्व 27 नवंबर को है और हर बार शहर भर के गुरुद्वारों में इस दिन श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता है। इसके लिए आगरा के गुरुद्वारा में तैयारियां शुरू हो चुकी है और लगभग पूरी भी हो गई है। वही गुरु नानक देव का आगरा से गहरा नाता था। अपनी शिक्षा से मानव सेवा का संदेश देने वाले गुरु के चरणों से आगरा की धरती पवित्र हुई थी। बताया कि यहाँ उन्होंने गुरुद्वारा गुरु का ताल लोहा मंडी गुरुद्वारा माई थान पर अल्प प्रवास कर अनुयानियों को आशीष वचन दिए थे। वही गुरु नानक के 554वें प्रकाश पर्व से पहले आगरा सिकंदरा स्थित गुरु का ताल गुरुद्वारा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है और लगभग पूरी हो चुकी है। वही इस बार विशेष आतिशबाजी भी की जाएगी और आगरा का दुख निवारण गुरु का ताल गुरुद्वारा अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। इस गुरुद्वारे का संबंध कई गुरुओं से है। स्थान पर सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। वही 9 दिनों तक गुरु तेग बहादुर जी को यहां पर बंदी बनाकर रखा गया था और गुरुद्वारा गुरु का ताल स्थित बोहरा साहिब में उन्हें नजरबंद किया गया था। यहीं से उन्हें हजारों सैनिकों की देखरेख में दिल्ली चांदनी चौक ले जाया गया था, जहां उनकी शहादत हुई। धर्म की खातिर गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश बलिदान कर दिया और दिल्ली चांदनी चौक पर आज भी शीशगंज नाम से गुरुद्वारा स्थित है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।